नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए वीडियो लाया हूं कि ये हमारा IFB डायर का टाइमर है। तो इस टाइमर का आपको फुल कनेक्शन मैं बताना चाहता हूं। पूरी वीडियो हमारे ध्यान से देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि अगली वीडियो बने तो आपके पास सर्वप्रथम पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, ये हम दो टाइमर एक टाइमर पे कनेक्शन करके दिखाया हूँ। एक टाइमर नया है जो आपको करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं नंबर एक पे। नंबर एक दर्शाया गया हुआ दोनों टाइमर पे। तो नंबर एक का जो वायर है इस टाइमर पे लगेगा। नंबर एक का वायर हमारा मेन सप्लाई जो रीसेट पुश बटन का होता है वहाँ से आके इस टाइमर पे कनेक्शन होता है नंबर एक पे। नंबर दो यहीं से होकर आपके हीटर पे सप्लाई दी जाती है। और नंबर तीन वायर आपका ये मोटर के कैपेसिटर पे एक छोर पे कनेक्शन लगेगा। कैपेसिटर पे दो पॉइंट होते हैं तो एक पॉइंट पे ये आपका नंबर तीन का वायर जाके लगेगा। फिर चलते हैं नंबर चार वायर ये कैपेसिटर के दूसरे छोर पे लगेगा ताकि तीन नंबर और चार नंबर ये कैपेसिटर को लेफ्ट राइट मोटर को चलाते हैं। तो एक पे सप्लाई जाती है और एक पे सप्लाई बंद हो जाती है। तीन चार का काम यही होता है। और दोस्तों, जो पांचवा नंबर है, पांचवा नंबर को हम टाइमर को न्यूट्रल देते हैं तब हमारी जो टाइमर में एक छोटी सी मोटर लगी है ये मोटर चलती है। तो दोस्तों, ये हम जो आपको वीडियो दिखा रहा हूँ इसको पूरी वीडियो आप ध्यान से देख लिए होंगे कि इसका टाइमर का कनेक्शन कहाँ कहाँ होता है, कैसे कैसे होता है। तो क्योंकि इस पर मैंने वायर भी काट काट के लगा दिए जो वायर IFB डायर में रहता है पहले से ही, तो इनमें कुछ वायर के अलग अलग कलर भी हैं। जैसे नंबर एक का वायर आप देखेंगे तो इसमें ब्राउन कलर मोटा सा है। और फिर दूसरे पे जाएंगे तो ब्राउन कलर पतले का है। और तीसरे पे जाएंगे तो ये रेड कलर का वायर होगा। और आप चौथे पे जाएंगे तो चौथे पे देखें वाइट और रेड होगा। अब पांचवे में जाएंगे तो ये ब्लू कलर का होगा। ब्लू कलर मतलब ये न्यूट्रल होगा। तो दोस्तों, हमें आपसे उम्मीद होगी कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आपके समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, हमारी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे।